इस वीडियो में बताऊंगी पटियाला सलवार सिलना। तो इसका कटिंग अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि जो प्लेटें हम डालते हैं, चुनर जो डालते हैं, वो किस टाइप से हम डालेंगे जो हमारा कम नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे आप देख सकते हैं मैं उस वीडियो में बताई थी कि बेल्ट में थोड़ा हमारा कम पड़ रहा है। इसका जो पूरा गुलाई है बेल्ट का, वो हमें चाहिए 42 इंच फिटिंग में होकर के। तो इसमें थोड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा ज्वाइंट करेंगे कपड़े को, और उसमें मैं बताई थी। तो उसके लिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो कपड़ा बचा था उसी से हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों में हम जोड़ेंगे, एक इसमें भी जोड़ेंगे और एक इसमें भी जोड़ेंगे, ठीक है, आगे पीछे पल्ला में दोनों में जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं, दो भाग कर देते हैं पहले। तो इसे मैं दो भाग कर दी, अब देख सकते हैं एक अलग कर दी और एक अलग कर दी। अब इसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है। देख सकते हैं मैं कपड़े को इस टाइप से जोड़ दी, और ऊपर से मैं सिलाई भी लगा दी इसके ऊपर से, ठीक है, और दोनों में लगा दी इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, एक को सीधा रखना है और एक को इसके ऊपर से उल्टा रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, थोड़ा हाफ इंच ज्यादा से सिलाई लगाएंगे, हाफ इंच से थोड़ा ज्यादा मतलब 1.25 इंच में हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से। अब देख सकते हैं 1.25 इंच में हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसे हमें मोड़ना है, और उसको हम मोड़ करके अंदर कर देंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। हाफ इंच से ज्यादा 1.25 इंच में हम लगाए हैं। आप देख सकते तो इस पे मैं सिलाई लगा दी। उसके बाद में क्या करना है, इसे इस तरह से सीधा करना है, दोनों कपड़े को दोनों तरफ से करना है इस टाइप से, ठीक है। और इस टाइप से करने के बाद में यहाँ से हम थोड़ा सा मोड़ देंगे इस तरह से, और यहाँ से मोड़ के हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैं मोड़ के सिलाई लगा दी, इसी तरह से आपको लगाना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टा करेंगे। तो उल्टा करके मैं इस तरफ से डबल कर दी, और इधर से भी उसी तरह से सिलाई लगाना है जिसे मैं बताई कि 1.25 इंच में लगाना है, उसी तरह से इसमें भी लगाना है, ठीक है। तो सिलाई हम इस टाइप से लगाएंगे जैसे हम इतना नारा के लिए मोड़ेंगे, इतना यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ हम बीच में थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, इस जगह पे हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको भी छोड़ देना है, सिलाई हम यहाँ नहीं लगाएंगे, और फिर यहाँ से हम सिलाई इस टाइप से लगाएंगे, इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, यहाँ बीच में हम गैप छोड़ देंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर उसी तरह से मोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ में सिलाई लगाई, और यहाँ थोड़ा सिलाई को आगे पीछे करके गाँठा दे दी, और फिर यहाँ से गाँठ दे देना है, उसके बाद फिर सिलाई लगाना है। और बीच का जो मैं छोड़ी इसका धागा मैं कटिंग कर देती हूँ, फिर उसके बाद इसे इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा देना है, जैसे उधर से मैं मोड़ी इसी तरह इधर से भी मोड़ देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से मैं सिलाई लगा दी, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मैं गैप छोड़ी हूँ जो यहाँ नारा लगाने के लिए। तो इस तरह से आपको भी छोड़ देना है, और इस तरह से फिर दोनों तरफ से मोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टाइप से हम एक बार मोड़ेंगे, और अगर आप संभाल पा रहे हैं तो एक बार में ही पूरे में सिलाई लगा दें इस तरह से, और नहीं संभाल पाएंगे तो एक बार ऐसे पूरा में सिलाई लगा दें, उसके बाद फिर दोबारा इस टाइप से मोड़े, ठीक है, इस टाइप से फिर दोबारा मोड़े, ठीक है। और अगर आप संभाल पाएंगे तो एक ही बार ऐसे करके, एक ही बार थोड़ा सा फोल्ड करना है, फिर ऐसे फोल्ड करके, और एक ही बार पूरे में सिलाई लगा देना है, ठीक है। मैं एक ही बार पूरे में सिलाई लगा दे रही हूँ, और यहाँ इस टाइप से गैप भी रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ से सिलाई लगा ली, इसी तरह से आपको भी लगा लेना। तो ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया। उसके बाद हम कली को जोड़ेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें चुनट लगाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसे अभी हम रख देते हैं, उसके बाद हम कली जोड़ते हैं।
तो सबसे पहले बीच वाला पार्ट को इस टाइप से ले लेना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कली को उठाएंगे और एक कली को हम इस टाइप से इसके ऊपर रख देंगे, इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर, और यहाँ से हम पूरे में सिलाई लगाएंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। और ये वाले जो बहुत लोग को पता नहीं है, जैसे उल्टा सीधा किधर से हम जोड़े किधर से ना जोड़े, कंफ्यूज आते हैं, तो मैं इसे इस डिटेल में बता देती हूँ कि जो ये आसन है वो इधर रख देना है, इधर कर देना है, और इधर से पूरा सीधा है उधर से जोड़ना है, ठीक है। और एक कली हम इधर से जोड़ेंगे बीच वाला पार्ट में, और एक कली हम इधर से जोड़ेंगे बीच वाला पार्ट में, ठीक है, एक इधर से जोड़ेंगे इधर से जोड़ेंगे, ठीक है, इसी तरह से जोड़ लेना है। आपको थोड़ा ध्यान से कपड़े को जोड़ना है, उल्टा सीधा नहीं जोड़िएगा, आराम से देख लीजिएगा उल्टा सीधा, उसके बाद जोड़ना है, ठीक है। और सिलाई एक तरफ से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सिलाई उधर एक सिलाई इधर हो गया फिर आपको खोलना पड़ेगा पूरा सिलाई को, तो ध्यान से आपको जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं पूरा सिलाई लगा दी और कली जो दोनों तरफ का उसे मैं जोड़ दी, और इसी तरह से एक और पल्ला को इसी तरह तैयार करना है। आप देख सकते हैं इसे भी मैं तैयार कर ली, इसी तरह से एक और तैयार करना है आपको। और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा आसन है यही हम दूसरा पल्ला को जोड़ेंगे इसी तरह से रख करके, और एक में सीधा रखी और एक में उल्टा रखूंगी इसके ऊपर से, ठीक है, एक सीधा और एक उल्टा, ताकि हमारा उल्टा सीधा ना हो, फिर पलट के सीधा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम इस आसन को हम जोड़ देंगे, एक में हम दोनों को अटैच कर देंगे। तो इसे मैं जोड़ दी, और सिलाई को डबल कर देना है ताकि टूटे ना और मजबूत हो जाए। और उसके बाद क्या करना है आप ध्यान से समझिएगा, दोनों पल्ला हमारा जुट गया दोनों पैर का, हम स्टार्ट करेंगे प्लेटें बनाने का। तो ये आप समझ लीजिए कि ये बैक पार्ट का है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। और उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, प्लेटें हम इस तरह से उठाएंगे, आप देख सकते हैं इस टाइप से, और एक से डेढ़ इंच तक हम ऐसे उठा के रखेंगे इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा ज्यादा रखेंगे हम बैक पार्ट में, डेढ़ इंच हम उठा के इस तरह से डबल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से डेढ़ इंच कपड़ा को मैं ऐसे उठा के मोड़ दी हूँ, और थोड़ा सा गैप करके यहाँ से डेढ़ इंच गैप करके, ये सिलाई है यहाँ से डेढ़ इंच गैप करके, और यहाँ से इस तरह उठा करके हम इस पे यहाँ सिलाई लगा देंगे इधर से, और जब हम इधर का बनाएंगे तो यहाँ से भी उठा करके इस टाइप से हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ। अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आप यहाँ से भी प्लेटें डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लेटें डालते जाएंगे पूरे में। और अगर आपके पास थोड़ा कम है तो आप यहाँ से थोड़ा छोड़ के भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ढाई तीन इंच छोड़ करके, और एक अंदाजा आपको लगा लेना है, ऐसे एक एक इंच का प्लेटें डालना है, कम कम नहीं डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हाफ हाफ इंच ऐसे करके डालते गए, थोड़ा थोड़ा सा डालते गए तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कम से कम प्लेटें एक एक इंच का होना चाहिए, ऐसे उठा करके एक इंच मुड़ना चाहिए, और पता कैसे चलेगा कि एक इंच मुड़ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ का जो कपड़ा डबल होगा वो एक इंच चौड़ाई में डबल होना चाहिए इस टाइप से, आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे मुड़ना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक अंदाजा लगा लेना है आपको एक एक इंच मोड़ करके, और देख लेना है कि हमारा जो बेल्ट है बना हुआ उसका जो लंबाई है उतना हमारा प्लेटें इस तरह से आ रहा है क्या नहीं। अगर ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा और प्लेटें आप गाढ़ा कर दीजिएगा, और अगर आपको कम पड़ रहा है तो थोड़ा जैसे एक इंच यहाँ डालें और एक इंच यहाँ इस टाइप से डालना है, ठीक है, थोड़ा गैप गैप करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जगह गैप करके डालना है, इस तरह से बनाते जाना है, और अपना अंदाजा उस तरह से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटें बनाना, एक एक इंच का हम मोड़ते जाएंगे। तो मैं आपसे एक बात और बताती हूँ, जैसे कि डिफरेंट इसलिए हो जाता है, कम ज्यादा प्लेटें इसलिए हो जाता है कि किसी का कमर ज्यादा होता है किसी का कमर कम होता है, तो उस हिसाब से प्लेटें कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा उसके बाद बनाइएगा। पहले जैसे एक कच्चा धागा सिलाई लगा करके आप टाका लगा लीजिएगा अगर आप बिगिनर है तो, और उसके बाद आपको सिलाई कम बेल्ट में ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो
सकते हैं, यहाँ से मैं पूरे पलेटे बना ली, इसी तरह से आपको बना लूंगा। मैं इधर का चुनी जो बना रही हूँ, तो इधर हम इस टाइप से पलट लेंगे और इधर से हमारा उल्टा पड़ जाएगा, तो इधर से हम पलट करके इधर से कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं मैं पूरे में प्लेटें डाल ली, इसी तरह से आप भी डाल लीजिएगा। प्लेटें कितना सुंदर बना हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, लेयर बाय लेयर दिख रहा है। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा और उसके बाद क्या करना है, दोनों लेयर को हम इस तरह से पकड़ के और जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप भी जोड़ लीजिएगा। यहाँ से हम इसे उल्टा साइड तरफ से करके हम ऐसे उल्टा करके और यहाँ से हम दोनों जो आसन है हमारा, यहाँ हम इस टाइप से जॉइंट लगा देंगे, ठीक है। आसन तक हम जॉइंट लगा देंगे, उसके बाद फिर हम बेल्ट में जोड़ लेंगे यहाँ से कमर का, और उसके बाद फिर हम मोहरी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बेल्ट को भी हम उल्टा कर दिए और इसे भी हम उल्टा कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आगे तरफ का जो पार्ट था जिसमें हम थोड़ा सा गैप छोड़े थे, वो हम आगे तरफ करके रखेंगे, और जिधर से हम ये दो पलेटे डाले हैं बैक साइड का, वो हम इधर से रखेंगे, जिधर से हम ये कपड़े को ज्वाइंट किए हैं, थोड़ा सा जो कम पड़ा था वो हम बैक साइड से रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। और यहाँ से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई हम मैच करके जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं मैं पूरे में सिलाई लगा दी, ज्वाइंट कर दी पूरे बेल्ट को, और उसके बाद क्या करना है, इसे सीधा कर लेना है। तो इसे मैं सीधा कर ली और सिलाई हम इस जगह पे लगाएंगे, बेल्ट के ऊपर में लगाएंगे इस जगह पे, और जो नीचे वाला जो जॉइंट है वो हम बेल्ट तरफ कर देंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे पूरे में। अब मैं मोहरी बनाती हूँ। जैसे मोहरी इस टाइप से बनाना है, अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं तो इसी में बुकरम को बैठा करके इसे पलट देना है, ठीक है। और अगर जैसे आप एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिए हैं तो आप अलग से बुकरम को कपड़े पे लगा करके और उसके बाद इसमें जॉइंट करके फिर पलट करके इसमें सिलाई लगाना है, ठीक है। तो हम इसी पे लगा रहे हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे। और यहाँ से इस तरफ से बुकरम को रख देना है, इस टाइप से मैं बुकरम को रख दी, आप देख सकते हैं। अगर आपको चौड़ा मोहरी पसंद है तो चौड़ा बुकरम को कटिंग करें, और अगर आपको कम पसंद है तो कम कटिंग करें, ठीक है। मैं इसे 1/4 इंच कटिंग करी हूँ, ज़्यादा नहीं, 1/4 इंच का मैं कटिंग करी हूँ। आप 1 इंच भी कटिंग कर सकते हैं, 1.5 इंच भी, 1/4 इंच भी, और जितना आपको पसंद है 2 इंच 2.5 इंच चौड़ा मोहरी आपको पसंद है चौड़ा आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा कपड़ा पकड़ के। तो आप देख सकते हैं मैं सिलाई इसमें पूरा लगा दी, और सिलाई एकदम सीधा होना चाहिए, मोहरी का सिलाई पूरा सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा पैर के नीचे देखने में, ठीक है। तो इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इस टाइप से हम पलट देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम सीधा सिलाई लगाएंगे। अभी मैं सिलाई लगा दी, उसके बाद क्या करना है, इसे हम सीधा तरफ करेंगे, इस तरह से हम सीधा तरफ कर दिए और सीधे तरफ से अब हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे पूरे नॉक पे यहाँ, और एक सिलाई उसके बगल में हम लगाएंगे इस टाइप से, और एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे इसके बगल में, ठीक है। और यहाँ बीच में हम इस तरह से यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से घुमा करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे बीच में। और दो सिलाई इधर से लगाएंगे, दो सिलाई इधर से लगाएंगे, और यहाँ बीच में हम इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे। और अगर आपको इस टाइप से नहीं पसंद है तो आप पूरे में सिलाई लगा दें, इतना गैप में आप सिलाई लगा दें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप में, एक एक पॉइंट दो दो पॉइंट गैप में सिलाई भर दें इसमें, और सिलाई पूरा सीधा सीधा लगाना चाहिए, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं मैं इस टाइप से सिलाई लगा दी, दो सिलाई इधर से, दो सिलाई इधर से, और बीच में हम यहाँ से ऐसे राउंड घुमा दिए हैं, घुमा के सिलाई लगा दी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको दूसरा वाला भी मोहरी तैयार कर लेना है, जैसे मैं तैयार की आपको दिखा देती हूँ मैं इस टाइप से, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम उल्टा पकड़ेंगे, यहाँ से इस टाइप से आपको मोहरी को उल्टा रखना है, जैसे जैसे मैं रखी हूँ उल्टा करके, और उसके बाद यहाँ से निशान लगाना है जितना आपको फिटिंग में पसंद है, ठीक है। जैसे 6 इंच, 6.5 इंच या तो 7 इंच, जिस हिसाब से आपको पसंद है यहाँ निशान लगाना है नाप करके, और इस निशान को हम ऐसे इसमें मिला देंगे, यहाँ ला करके मिला देंगे इसमें इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ से हम सिलाई लगाते जाएंगे, पूरा उस पैर तक हम सिलाई घुमा देंगे, ठीक है। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई बराबर में होना चाहिए, इस तरह से बराबर में रखिएगा जैसे मैं रख रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं सलवार को सीधा कर दी, और कितना सुंदर से इसका सिलाई हुआ, कितना परफेक्ट तरीके से, आप पूरे में फिटिंग सिलाई है, आप देख सकते हैं पूरे तरह से। इसी तरह से आप सिलिएगा तो आपका पूरा परफेक्ट तरीके से आएगा। और इसका मोहरी भी देख सकते हैं कितना सुंदर तैयार हुआ है, इसका मोहरी भी कहीं भी फुलक नहीं आया है, आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से हुआ। तो जैसे मैं बताई वैसे आप कीजिएगा तो आपका पूरा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरे सलवार सिल के मैं आपको बता दी, अगर मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आपको क्या सीखना है आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप क्या सीखते नहीं, क्या समझ में आया मुझे पता नहीं चलता है, जब आप कमेंट नहीं करते तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।